इस्लामाबाद में जो है आज रियाज बैटको साहब की तरफ से ये सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पूरे महल्ले के बड़े जिम्मेदार लोग, मोहतरमा कनिस्पति माँ एमएलए साहिबा भी मौजूद हैं और दीगर कांग्रेस के वर्कर्स और महल्लेदार भी मौजूद हैं। इस वबा के वास्ते जिस जिस तरीके की कोशिश होनी चाहिए थी, उस तरीके से हमको इस वबा को हर मोड़ पे लड़ना है। उसी वजह से सैनिटाइजेशन भी एक जंग है, एक इसका एक तरीका है कि महल्ले में इस वबा को, इसके जरासीम को ख़त्म करने के लिए। मैं तमाम लोगों की तरफ से रियाज भट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम महल्ले के बड़े लोगों का कि उन्होंने साथ दिया, और खुसूसन मोहतरमा कनिस्पति माँ एमएलए साहिबा का, जिन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को प्रायोरिटी के तौर पे जो होना था उसकी सराही की और वहाँ पे फ़ोन पे यहाँ पे हाजिर हुई। शुक्रिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बगदाद कॉलोनी में जो सैनिटाइजेशन के प्रोग्राम में हाजिर होकर इतनी ज्यादा तादाद में फिर भी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए ये जो प्रोग्राम का ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम पूरे लोग हैं ना कि भाई आपके लिए पहले भी साथ दिए हैं मैडम का, समरुल इस्लाम साहब रह तक भी दिए हैं, इंशाल्लाह हिंदा भी है ना, कभी भी है ना कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए है ना कि भाई इंशाल्लाह, क्योंकि इंडिया लेवल की पार्टी बोले तो एक ही पार्टी है, दूसरे पार्टियाँ हैं ना कि भाई सब है ना कि भाई डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे स्टेट लेवल पार्टीज है। अब हम ये फिल वक्त अब हम है ना कि भाई बीजेपी के साथ हम मुकाबला करना है, बोले तो एक अपोजिशन एक हमारी पार्टी, इंशाल्लाह हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह, इलेक्शन में भी है ना अब ये, क्योंकि अब आइंदा इलेक्शन में अभी वार्ड नंबर पहले 9 था, अभी 8 नंबर अब 4 बना है, अभी पहले शुरू लेडीज़ कैंडिडेट थे, अब है ना कि भाई जेंट्स हो गए, इंशाल्लाह हम भी है ना कि भाई कोशिश करके कांग्रेस को ये है ना कि भाई जिताने की, आप है ना कि भाई देने के टाइम पे है ना कि भाई सही आदमी को कौन हमारे पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, किसको टिकट दिए बोले तो मुनासिब रहेगा, वो सोच समझ कर आप भी दे तो भी इंशाल्लाह हम लोग भी महल्ले वाले भी बैठ कर है ना, पहले भी इससे पहले भी हम लोग है ना कि भाई इसी हिसाब में किए हैं, कभी भी कोई पार्टी से है ना कि हम लोग है ना कि कोई सा ऐसा लेकर भी काम नहीं किए, लेकिन जो भी किए हैं पार्टी के इसके अंदर आंदे मिलन दे नहीं मिलन दे, लेकिन हम खुद है ना इसके अंदर है ना कि बढ़ चढ़ कर है ना कि हिस्सा लेकर हर घर से आदमियों को बुला के ये कर कर है ना कि काम करें, इंशाल्लाह आइंदा भी काम करेंगे। आज इस्लामाबाद कॉलोनी वार्ड नंबर पुराना 9 और वार्ड नंबर नया 4 में आज रियाज भट्टो साहब और उनकी तमाम नौजवानों की टीम की तरफ से एक सैनिटाइजेशन करने के लिए 2 गाड़ियों को रखा गया है। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। ये वबा के जो COVID-19 की वबा है, ये वबा में सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट से भी हो रहा है, भाभी हर वार्ड में करवा रही है, मगर गवर्नमेंट की वैन ज़्यादा नहीं है, नहीं रहने वजह से एक गली में हो पा रहा है, दूसरे घर छूट जा रहे हैं। तो इसलिए रियाज भाई और उनकी तमाम टीम ने यह सोचा है कि यहाँ पर हर घर घर सैनिटाइज कर ये एरिया को और आजू बाजू के जो एरिया रहेंगे उनको सैनिटाइजेशन कर यहाँ पे कोविड की महामारी से दूर करने की कोशिश, एक एक छोटी सी पहल यहाँ से शुरू हुई है। और मैडम कनिस्फातिमा के भी डायरेक्शन थे, अपने अपने जहाँ पर भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहाँ जो भी अपने से बन पड़ता है आप काम कीजिए, तो रियाज साहब यहाँ से जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। मैं फिर एक बार तमाम पार्टी की तरफ से और मैडम के तरफ से रियाज साहब को और तमाम लोगों को, यहाँ जो भी आए हैं हमारे अख्तर साहब रहो, मोहम्मद अली साहब रहो, बशीर साहब रहो और नौजवानों को फिर एक बार मुबारकबाद देते। इस्लामाबाद कॉलोनी में आज ये जो वार्ड नंबर नया 4 है, यहाँ पे रियाज भट्टो साहब और उनकी टीम ने 2 वैन रखे हैं सैनिटाइजेशन के लिए, जिसके लिए वो मुबारकबाद के काबिल हैं और मैं उनको अपनी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और तमाम लोगों की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना ख्याल करके कि जो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम रखा है ये काफ़ी हेल्प होती है कोविड के लिए, और हर लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इतना जो ये लिए हैं इनिशिएट लिए हैं इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम महल्ले वालों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग यहाँ